Hi all of you, welcome back to this session on economics. Last videos, I don't know which order you are watching in, but I hope you have gone through all the videos as yet. Hum log ne ek section shuru kiya hai, and that section is very it is called as money. हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी मनी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है. इस साल कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में मनी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है. तो सबसे पहले टुडे वी विल रिकॉल विथ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी. ठीक है, मनी का एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन किसी ने दिया है. मनी इज व्हाट मनी डज, इफ यू रिमेंबर, is the definition we are talking about. Money is what money does. ये I think Walker का definition है ना, ये definition है Walker का. और Professor Crowther ने भी एक definition दिया है. Professor Crowther says that money is anything, any particular commodity which can be used as a means of exchange and as a measure or store of value. ठीक है, तो प्रोफेसर क्राउथर का कहना यह है कि मनी कोई भी ऐसी चीज होती है जिसको हम एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज, स्टोर एंड मेजर ऑफ वैल्यू बोल सकते हैं. ठीक है, इट इज एनी कमोडिटी विच कैन बी यूज एज अ मीन्स ऑफ वैल्यू एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में भी ये डेफिनेशन पढ़ा था, शायद गैप आ गया हो अब एक साल का तो हमें याद ना हो. फ्रेंड्स, मनी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. यू नो, मनी का जब हम लोग डिमांड की बात करते हैं ना, तो मनी का डिमांड डायरेक्ट डिमांड नहीं है. मनी का डिमांड है ना इनडायरेक्ट डिमांड है. मनी का जो डिमांड है वो इनडायरेक्ट डिमांड है. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. आई होप यू अग्री विथ मी. क्यों? क्योंकि हमको पैसा नहीं चाहिए. हमको पैसा नहीं चाहिए. सर क्या बात कर रहे हो, दुनिया तो पैसे पे चलती है. करेक्ट, बट वी डोंट वॉन्ट मनी फॉर इट्स सेक. वी डोंट वॉन्ट मनी फॉर द सेक ऑफ मनी. सी, आइडियली ना हमें क्या चाहिए, हमें परचेजिंग पावर चाहिए. हमें गाड़ी खरीदनी है, बंगले खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, खाना खरीदना है, अच्छी स्कूल्स में जाना है, हमें मूवीज़ देखने हैं, हमें बाहर होटल्स में जाके खर्चा करना है. प्राइमरीली हमें जो चाहिए उसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर. और आज की तारीख में जिस भी कमोडिटी, जिस भी चीज़ से ये परचेजिंग पावर मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मनी. समझा ऑल ऑफ यू व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू. तो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए क्योंकि हमें चीजें खरीदनी है, हमें पैसा स्पेंड करना है. ये स्पेंडिंग जो है ना, दैट इट इज व्हाट एक्चुअली लीड्स टू द डिमांड ऑफ मनी. मनी इज डिमांडेड बिकॉज इट गिव्स अस वैल्यू, इट गिव्स अस परचेसिंग पावर सो दैट वी कैन परचेस द कमोडिटीज. एक्चुअली वी वॉन्ट टू परचेस अ कमोडिटी, वी वॉन्ट टू परचेस अ कार, वी वॉन्ट टू परचेस क्लोथ, वी वॉन्ट टू गो टू अ होटल. तो हमें गुड्स और सर्विसेज चाहिए. और हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है ये गुड्स और सर्विसेज को हमारे पास लाने के लिए जो चीज हम एक्सचेंज करेंगे उस चीज को हम बोलेंगे मनी. इनिशियल डेज में, इन द बिगिनिंग, इन द हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक एंड द एंशियंट पीरियड, वी ऑल न्यू दैट देयर वाज बार्टर सिस्टम. एक हाथ दे एक हाथ ले, यू टेक गिव समथिंग एंड यू टेक समथिंग इन रिटर्न, एक्सचेंज समथिंग इन रिटर्न, राइट. सो इवन बार्टर वॉज कंसिडर्ड एज अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मनी. वाई? बिकॉज यू कुड एक्सचेंज एनीथिंग एंड गेट वॉट एवर यू वॉन्टेड इन रिटर्न. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन वी हैड रॉयल रूल्स, रूल्स ऑफ द किंग्स एंड एम्पायर्स, मर्चेंट्स आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. तो देन वी नो दैट मेटेलिक कॉइन्स, मेटल कमोडिटीज, फाइनली टूडे वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्लास्टिक, सॉरी पेपर करेंसी एंड नाउ प्लास्टिक एंड डिजिटल वॉलेट्स. ओके, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट मेजर और दैट स्टैंडर्ड चेंज एंड पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग न्यूअर फॉर्म्स ऑफ वैल्यू और ऑफ एक्सचेंज. दैट न्यूअर फॉर्म ऑफ वैल्यू और न्यूअर फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो केम टू बी कॉल्ड एज व्हाट, मनी. सो प्राइमरीली हमें समझना ये जरूरी है, ये शायद पहले भी आया है, मैं आज वापस बोल रहा हूँ. प्राइमरीली हमें ये समझना जरूरी है कि वी डू नॉट रिक्वायर फॉर द सेक ऑफ मनी. वी डू नॉट रिक्वायर मनी फॉर द सेक ऑफ मनी. वी रिक्वायर मनी बिकॉज वी वॉन्ट टू स्पेंड.
because we want to buy something, because we want purchasing power, because we want whatever we want. And because we want whatever we want money to buy whatever we want. समझा कि नहीं समझा? हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए. उस चीज को खरीदने के लिए जो काम आने वाला है वो क्या है? पैसा. अगर आज कोई हमें बोल दे ना कि तुम ये पेपर करेंसी से कुछ नहीं खरीद पाओगे, तो सच्ची कुछ नहीं खरीद पाओगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले. अब वो डिमोनेटाइजेशन में 1000 और 500 रुपीज की नोट्स तो स्क्रैप हो गई. मतलब दे सेड दैट इट इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ मनी नाउ, है ना? तो अगर वही सेम 1000 या 500 की नोट लेके आज हम लोग दुकान वाले के पास जाएंगे तो क्या करेगा वो? उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना. वाई? बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग इट एज अ मेजर और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वाई मनी इज रिक्वायर्ड. टूडे वी हैड टू स्टार्ट अप विद दिस ब्रीफ इज बिकॉज वी गोइंग टू स्टार्ट अप अ चैप्टर विच इज कॉल्ड एज डिमांड फॉर मनी, विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज वॉट? डिमांड फॉर मनी. Why is money demanded? ये हमें समझना बहुत जरूरी है. तो money की demand की अलग अलग explanations दिए गए कि भाई money की जरूरत क्यों होती है. सबसे पहले किसी भी economy में ना दो चीजें होती है, money की demand होती है और money की supply होती है. I will write it here. Demand and supply. ठीक है? Now किसी भी equilibrium economy में your demand of money should be equal to your supply of money. ये equilibrium macro scenario है. ठीक है? ठीक है? ठीक है? है ना? So there are two separate chapters. एक chapter हमें ये focus करवाता है कि why is there a demand for money, and दूसरा अपने को ये focus करवाता है कि where does the supply of money come from. The supply of money is always in the hands of, it is always in the hands of the monetary authority. It is in the hands of whom? The monetary authority. Monetary authority India में कौन होगा? Monetary authority India में कौन होगा? India में होगा RBI, Reserve Bank of India, हमारा Central Bank. ठीक है? तो this is a separate matter. We will study this a little later, maybe in the coming videos or subsequent videos, or you might have already seen the videos earlier. Today what we are focusing on, demand of money. Okay, and we have to understand something. What we have to understand is the determinants of demand of money. Bhai hame money kyu chahiye, uske determinants kya hai? Okay, and this is what is the name of the chapter, demand for money. Demand for money and demand for money. Demand for money is also going to be impacted by something else, which is called as interest rates. Which is called as what? Interest rates. Hai na? So the entire name of the chapter in your textbook might be demand for money and interest rates. Theek hai, all of you. So what are the determinants of money? Demand is what we are supposed to study. अब ये डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको ना एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारी थियोरीज दी गई है, जिसमें से हम इस साल 2 थियोरीज पढ़ेंगे, ओनली 2 थियोरीज. पहली थियोरी, द फर्स्ट थियोरी दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज द क्लासिकल अप्रोच. ठीक है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है, जेबी से, इरविंग फिशर, ओके, इन लोगों ने मिलकर एक थियोरी दिया है, दैट इज द क्लासिकल थियोरी. And the second theory that we are going to study about was given by Lord John Maynard Keynes. So that is why it is called as the Keynesian approach. ये दो तीन theories हम लोग पढ़ने वाले हैं, right, all of you? So what I will do right now is I will write down the 2 theories. I am writing the 2 theories down over here, and then we will take up the theory subsequently. पहला theory हम लोग पढ़ने वाले हैं, it is called as the classical approach. It is a classical explanation of why people demand money. And the second is Keynesian approach. Second is the Keynesian approach. Classical approach was propounded or developed by an economist called as Irving
Fisher. Okay, and Keynesian approach was Lord J.M. Keynes. ठीक है, अब ये जो केनेशियन अप्रोच है ना, वो बहुत सारे लोगों ने मिलके दिया था, 3-4-5 लोग थे, सबने मिलके इसको फॉर्मुलेट किया था, इसको आगे डेवलप किया था, इसलिए बहुत बार ना इसका जो अपग्रेडेड वर्जन होगा ना, इट विल आल्सो बी कॉल्ड एज द कैम्ब्रिज थ्योरी. आगे जाके पढ़ेंगे, अभी पढ़ना ये जरूरी नहीं है. राइट ऑल ऑफ यू. तो क्लासिकल थियोरी जो है इरविंग फिशर ने जो दिया था वो थियोरी वो क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड द क्लासिकल थियोरी फर्स्ट. क्लासिकल थियोरी कहता है, इट इज गिवन बाय ऑल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हु फॉलोड एडम स्मिथ, एंड दे सेड दैट मनी की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई इज मनी रिक्वायर्ड. मनी इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर ट्रांजैक्शंस, ओनली फॉर परचेजिंग गुड्स. समझा? मनी चाहिए होता है सिर्फ परचेजिंग गुड्स के लिए, सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए, दैट्स इट. और किसी भी चीज के लिए मनी नहीं चाहिए होता है. सिंस मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर हमें किसी भी चीज को खरीदना है, ट्रांजैक्शन करना है किसी भी चीज का, किसी भी चीज को आगे बढ़ाना है, तो मनी की जरूरत पड़ेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जेस मिल का या इरविंग फिशर का कहना यह था उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कि मनी से ट्रांजैक्शन स्मूथ हो जाता है, एवरीबडी विल अग्री एट अ कॉमन वैल्यू बिकॉज मनी विल बिकम द कॉमन डिनोमिनेटर. वी विल गिव मनी एंड बाय द गुड्स, दे विल ऑल्सो गिव मनी एंड बाय द गुड्स, एंड द फ्लो विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस फर्दर, ही सेड दैट द डिमांड फॉर मनी कैन बी इजीली एक्सप्लेन बाय अ फॉर्मूला विच इज गिवन एज MV equal to PT. ठीक है, MV equal to PT, which can also be written as M equal to PT upon V. ठीक है, अब देखो ये जो M है ना, this is money demanded, so demand for money. ठीक है, P and P, it is the price levels. ठीक है, T is the transaction volume, हम कितनी बार कितना transaction करेंगे. Okay, and V is the velocity of circulation, कितना fast आपका पैसा flow होता है. ठीक है, इरविंग फिशर का कहना यह है कि ट्रांजैक्शन और मनी सर्कुलेशन ये दोनों चीजें हैं ना, ये कांस्टेंट होती है. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस. वेलोसिटी का मतलब क्या पता है, कितनी बार पैसा सर्कुलेट होगा. अभी मैं आई एम स्पेंडिंग 100 रुपीज, सो आई एम गिविंग यू 100 रुपीज, यू ऑल्सो विल स्पेंड 100 रुपीज, someone else will also spend 100 rupees. See, it is a cycle, and when will that 100 rupees come back to me? That is velocity. What is the circulation of 100 rupees in the economy? That is velocity of circulation. Correct, all of you? Velocity of circulation, transactions ki velocity kya hai, transactions ki value kya hai, that is a T, and price levels. हम कितनी बार ट्रांजैक्ट करते हैं, सर्कुलेशन कितनी बार होता है, प्राइस लेवल्स कैसा है. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांजैक्शन और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन क्या है, इक्वल है, इट इज कांस्टेंट. अच्छा, ट्रांजैक्शंस किस पे डिपेंड करता है पता है, ट्रांजैक्शंस डिपेंड करता है इनकम पे. इनकम ज्यादा होगा, ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा. हम लोग जब ये थियोरी एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है. फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सब लोग एम्प्लॉयड है, सब लोग मैक्सिमम जितनी सैलरी कमा सकते हैं ना उतना कमाएंगे. तो डेफिनेटली एवरीबडीज ट्रांजैक्शन विल बी व्हाट, कांस्टेंट, इक्वल. मैं हर महीने 100 रुपए कमा सकता हूं, मैं 100 कमा रहा हूं, तो दैट मींस मैं 100 रुपए ही उड़ा पाऊंगा, ट्रांजैक्शन 100 का ही होगा मेरा. समझा? वेलोसिटी, 100 रुपया कितनी बार हैंड चेंज कर करके मेरे पास आता है, दैट इज वेलोसिटी. प्राइस लेवल्स, कोई भी चीज कितनी महंगी है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दीज थ्री फैक्टर्स यू आर सेइंग दैट योर मनी विल बी डिमांडेड.
लॉन्ग रन में ट्रांजैक्शन और वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोग बोलते हैं कि कांस्टेंट है ना। तो अल्टीमेटली वी आर सेइंग दैट मनी डिमांड एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बिकॉज योर टी एंड वी आर व्हाट कांस्टेंट। है ना, योर मनी सप्लाई मनी डिमांड सॉरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्राइस। तो जाहिर सी बात है ना, प्राइस राइज होगा तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, डिमांड फॉर कैश बढ़ेगा। यहां पे हम लोग जो मनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये डिमांड फॉर कैश हो जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज महंगी होगी तो अपनी कैश रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अग्री और डिसअग्री? श्योर अग्री ऑल ऑफ यू? पक्का ये समझा क्या होता है ना। अभी मेन एस्पेक्ट देखो, मनी का डिमांड क्यों होता है? सबसे पहला ट्रांजैक्शंस के लिए। सो मनी का डिमांड इसलिए हो रहा है बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ मींस ऑफ पेमेंट। ठीक है, हम लोग कितनी बार ट्रांजैक्शंस करते हैं, कितनी बार पैसा फ्लो होके अपने पास आने वाला है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आई विल रीड इट। सी, मनी इज डिमांडेड टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट वेयर टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। द प्राइस लेवल एंड ट्रांजैक्शन डिटरमाइन द डिमांड फॉर मनी। द डिमांड फॉर मनी चेंजेस डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनेटली विद चेंजेस इन द प्राइस लेवल। है ना, द वेलोसिटी इज अनदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर मनी, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। इंक्रीज इन वेलोसिटी विल लीड टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी एंड डिक्रीज इन वेलोसिटी विल लीड टू इंक्रीज। इंक्रीज इन वेलोसिटी रिड्यूसिंग द डिमांड फॉर मनी, क्योंकि पैसा उतना फास्ट आ रहा है। एंड डिक्रीज इन वेलोसिटी, अगर पैसा स्लो आ रहा है, स्लो आ रहा है, स्लो आ रहा है, लंबा सर्कुलेशन होके आ रहा है, तो द कैश डिमांड विल बी हायर। आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑल ऑफ यू? श्योर 100%। तो ये फॉर्मूला या ये थियरी है क्लासिकल अप्रोच का। क्लासिकल अप्रोच का थियरी देखा ऑल ऑफ यू? फॉर्मूला क्या है, किसने दिया था? इरविंग फिशर ने, है ना, इरविंग फिशर ने, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने। ठीक है, ट्रांजैक्शन, तो मनी का हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? सिर्फ पावर ऑफ ट्रांजैक्शन या परचेसिंग पावर, है ना, और उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। राइट ऑल ऑफ यू? श्योर पक्का? चलो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट अप्रोच, दैट इज द कीनेसियन अप्रोच। तो ये हम लोग ने पढ़ा था, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग सेकेंड कीनेसियन अप्रोच पढ़ते हैं। तो आप लोगों को आई होप आई यू हैव अंडरस्टूड दिस। आई विल रब दिस ऑफ एंड वी विल गो टू द सेकेंड थियरी, दैट इज द कीनेसियन अप्रोच। ओके, नाउ बिफोर जॉन मैनार्ड केन्स, ऑल द इकोनॉमिस्ट हु हैड कम, दे गेव इंपॉर्टेंस टू ओनली ट्रांजैक्शंस। द पावर ऑफ मनी टू परचेस, दैट्स इट। बट जॉन मैनार्ड केन्स सेड नो, मनी की तीन रिक्वायरमेंट्स या तीन मेजर फंक्शंस होती है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। एक होता है डेफिनेटली एक्सचेंज। मनी कैन बी यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ओके, विच कैन बी यूज लेटर ऑन। तो ही सेड कि लोगों की जो मनी की डिमांड हो सकती है ना, आई विल राइट इट डाउन रादर देन राइटिंग इट देयर। मनी की डिमांड होती है ना, इट शुड बी बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स। नंबर वन, दे आर ट्रांजैक्शंस मोटिव। How much money they want to spend. So that is the first point, transactions motive. Okay. John Maynard Keynes के आने से पहले जो economists थे वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पे focus करते थे, सिर्फ transactions पे ही focus करते थे। उनके मुताबिक लोगों को पैसा सिर्फ transactions के लिए चाहिए, but in reality that is not the case. See, according to John Maynard Keynes says that our preference for liquidity depends on a lot of factors. Our preference for what? For liquidity depends on a lot of factors, and he says that the preference for liquidity shows us the confidence. According to Keynes, we are not certain about our own future. You know, we don't trust ki future mein humne jaisa predict kiya hai waisa hoga ya nahi hoga. So there is always this little bit of a scariness, little bit of an
अनसर्टेनिटी, थोड़ा बहुत हम लोग को एंग्जाइटी होता है कि क्या होगा आगे, फ्यूचर में क्या होगा. सो अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड केन्स, ही सेड दैट इफ यू हैव मनी विथ यू, इफ यू हैव लिक्विडिटी विथ यू, देर इज कैश समवेयर विथ यू, यू आर सेफ, यू आर सिक्योर, यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है, फ्यूचर में इफ एनीथिंग इज देयर, फ्यूचर में इफ आई फेस एनी प्रॉब्लम, आई हैव मनी एंड वी कैन टेक केयर ऑफ इट. सो पीपल्स प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी शोज दैट दे माइट नॉट बी एबल टू ट्रस्ट देयर ओन जजमेंट and they might want to keep cash in their hands depending on how confident or less confident they are about their future. So he said that money demand has to be divided into three parts. First should be depending on the transaction's motive. Second should be dependent on the precautionary motive. And third should be speculative motive. ठीक है, these two factors are according to Keynes dependent on income. ठीक है, transactions motive, I will write down over here, transactions motive is nothing but the cash that you require to undertake your daily transactions. ठीक है, ट्रांजैक्शंस मोटिव के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनकम पे डिपेंडेंट और दूसरा होता है बिजनेस. ठीक है, नाउ ट्रांजैक्शंस मतलब व्हाट इज गोइंग टू बी योर खर्चा, व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्पेंडिंग, राइट? ऑल ऑफ यू अग्री, व्हाट इज गोइंग टू बी योर खर्चा, व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्पेंडिंग इज द ट्रांजैक्शंस मोटिव, एंड डिपेंडिंग ऑन योर इनकम योर ट्रांजैक्शंस मोटिव और योर रिक्वायरमेंट ऑफ मनी विल चेंज. We basically require cash to do our day-to-day transactions, right? But the income that we are going to earn is not going to be daily. Our kharcha is going to be daily. For some or the other reason, we might have to do a lot of kharcha or some kharcha. That kharcha is going to be daily. The transactions is going to be daily, but our income might not be daily. Sometimes once a month, two times in a month, once a week, once in every 2 months, depends. So, suppose if my money or if my income is monthly, मतलब मुझे महीने में एक बार पैसे मिलने वाले, लेकिन मेरा spending तो रोज होगा ना. अगर मेरा spending रोज हो रहा है तो मुझे उतना cash मेरे हाथ में चाहिए, क्योंकि मुझे एक तारीख को पैसा मिलने वाला है, अब अगली एक तारीख को पैसा मिलेगा, तो भाई मैं spend करूंगा 30 days, 31 days, 28 days के लिए, है ना? तो उतना पैसा मुझे अपने हाथ में एज कैश रखना पड़ेगा. दैट इज द डिमांड दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. क्यों? क्योंकि अब मुझे पैसे अगली एक तारीख को मिलने वाले हैं, है ना? हाँ, कुछ वर्कर्स को रोज पैसे मिलते हैं तो उनको कैश की जरूरत नहीं है, उनको पता है आज मैं उड़ा दूंगा तो कल मुझे वापस मिल जाएगा. सो द पॉइंट इज देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दैट टाइम गैप यू हैव टू कीप सम कैश इन हैंड. पीपल हु हैव फिक्स्ड इनकम, मंथली इनकम, इनकम इन एवरी वीक और समथिंग लाइक दैट, दे विल नीड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी टू fill their gap of expenditure in the remaining days. The cash held will be highest at the beginning and over a period of time on the last day it might become what? Zero. है ना? Business approach में ऐसा होता है कि एक businessman primarily raw material लेता है और उसको finished goods में convert करता है. Raw material खरीदने के लिए उसको पैसा चाहिए. Finished goods जब वो बेचेगा तब उसको पैसा मिलेगा. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज उसका पैसा कितना सर्कुलेशन में है. देखो, फिनिश गुड्स खरीदा, पैसा दे दिया, ठीक है? अब आई एम सॉरी, रॉ मटेरियल खरीदा, पैसा दे दिया, अब वो पैसा सर्कुलेशन में, रॉ मटेरियल फिनिश गुड बनेगा, फिनिश गुड जब बिकेगा तब वो पैसा वापस आएगा. तो रॉ मटेरियल खरीदने से लेके फिनिश गुड्स को बेचने तक के बीच में जो इंटरवल है, उस इंटरवल में बिजनेसमैन को भी तो पैसा चाहिए ना. उतना कैश उसको रखना ही पड़ेगा. उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स मीट करने हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी मीट करनी है, वर्कर्स की सैलरी मीट करनी है, शायद दूसरी बार रॉ मटेरियल खरीदना पड़े, उसको और सन्ड्री एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, तो उसको वो सब रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है. सो ही विल रिक्वायर दैट मच कैश, है ना? Cash again at the beginning of the period will be highest and at the end of the period will be lowest. Correct? All of you.
सो दिस इज द ट्रांजेक्शन रिक्वायरमेंट, जहां पे पैसों की जरूरत, आप कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस पे होता है, और आपकी इनकम और आपको पैसा कितना फ्रिक्वेंटली मिलने वाला है उस पे होता है। अगर आप रिच पर्सन हो तो आपकी कैश रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, आपकी इनकम ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली आपके उतने खर्चे भी ज्यादा होंगे। पुअर पर्सन के पास ज्यादा कैश बचता ही नहीं है, तो उसकी कैश रिक्वायरमेंट एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होती, उसको डे टू डे एक्सपेंडिचर ही देखना पड़ता है। प्राइस लेवल्स जितना ज्यादा हाई है, प्राइस लेवल्स जितना ज्यादा हाई है उतनी आपकी कैश रिक्वायरमेंट बढ़ती है। द हायर द प्राइस लेवल्स द कैश रिक्वायरमेंट विल बी हायर। एंड फाइनली द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द मोर द एम्प्लॉयमेंट द मोर इज द आउटपुट, एंड डेफिनेटली द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइसेस विल, द रिक्वायरमेंट फॉर कैश विल राइज बिकॉज प्राइसेस आर गोइंग टू राइज। हम लोग ने चार फैक्टर्स पढ़े ट्रांजैक्शन मोटिव में। पहला, इनकम ज्यादा होगी तो डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ कैश ज्यादा होगी। हाँ, बहुत लोग मुझे पूछेंगे कि सर इनकम ज्यादा होगी तो कैश रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों होगी, उल्टा होना चाहिए ना। फ्रेंड्स, पुअर पर्सन के पास है ना, डे टू डे एक्सपेंडिचर के बाद कैश बहुत कम बचता है, तो उसकी कैश होल्ड करने की रिक्वायरमेंट कुछ है ही नहीं, ठीक है। वो डे टू डे अर्न करता है, डे टू डे स्पेंड करता है। एक एक रिच पर्सन जो है, एक प्रोफेशनल जो है, वो साल में, महीने में, 15 डेज में एक बार अर्न करता है, और उसको बाकी के पीरियड में उसी अर्निंग से चलाना है, और उसके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ वाई इनकम ज़्यादा होगी तो कैश होल्डिंग ज़्यादा होगा। टाइम इंटरवल एक और फैक्टर है। अगर मुझे फ्रीक्वेंटली पैसा मिल रहा है तो मेरी कैश होल्डिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अगर प्राइस लेवल्स या एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो मेरी कैश रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हो जाएगी। राइट ऑल ऑफ यू, सो दिस इज अबाउट द विच मोटिव, ट्रांजैक्शंस मोटिव, दो पार्ट है, इनकम मोटिव एंड बिजनेस मोटिव, करेक्ट। सेकंड है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। वी आर ऑलवेज इन डाउट्स अबाउट अवर फ्यूचर, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, सम रॉन्ग थिंग माई हैपन, नेचुरल कलामिटी, कोई कलामिटी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एनी थिंग माइट हैपन, इनकम अपना गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। हम लोग सीजनल इंडस्ट्रीज में है, सीजनल इशूज़ हो गए, हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बिके, तो पीपल आर ऑलवेज केयर्ड अबाउट वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, दे आर अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर। So what they want to do, you know, they want to prepare for their bad days. So they say that, okay, what we will do is we will keep a certain amount of extra money with us in case if there is any emergency, we will get to spend it. So even that money they hold as cash. Right? Are you getting what I'm trying to tell you? Precaution. ये word याद रखो, मतलब अपने आप को save करने के लिए, अपने आप को protect करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये लोग जो पैसा साइड पे रखेंगे, दैट विल बी प्रिकॉशनरी मोटिव। राइट ऑल ऑफ यू, प्रिकॉशनरी मोटिव ऐसा होता है कि अमीर लोगों का वापस ज्यादा होगा। सी गरीब, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट आई अग्री व्हेन वी से दैट गरीबों का प्रिकॉशनरी मोटिव ज्यादा होता है, बट उनके पास पैसे ही नहीं है बचाने के लिए। अमीरों के पास पैसे होते हैं बचाने के लिए, उनको चॉइस है कि यार ये मैं पैसे साइड पे रखूं, या पैसे स्पेंड करूं, या क्या करूं इन पैसों का, तो डेफिनेटली उनकी स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट, उनकी सेफ साइड करने की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ओके, सो प्रिकॉशनरी मोटिव इज द कैश दैट दे कीप इन अवर हाउस फॉर सम इमरजेंसी सिचुएशंस। दे विल नॉट स्पेंड इट इन डे टू डे एक्टिविटी, बट दे विल नॉट डिपॉजिट द मनी इन बैंक ऑल्सो। घर पे पड़े होंगे 10,000, 15,000, 20,000, 5,000, क्यों भाई, कोई इमरजेंसी आ गई तो। दैट इमरजेंसी के लिए जो साइड पे पैसा पड़ा है ना, अपने मम्मी के पास हो सकता है, डैडी के पास हो सकता है, दैट साइड पे पैसा पड़ा है, दैट इज द कैश दैट वी हैव हेल्ड आउट बिकॉज ऑफ अवर प्रिकॉशनरी मोटिव। Right, all of you. So, did you understand what is the meaning of precautionary motive? As your income increases, simple sa graph hai, as your income increases, the demand of cash due to precautionary motive will increase. Jitni badi company, utni uski cash requirement for precautionary motive zyada hogi. Jitna rich person, cash requirement for precautionary motive zyada hogi. Right, all of you. Sure. So, in this particular session, what did we do? We defined money. What is the basic understanding of money? Then we said, what is the use of money going to be? Then we understood what is the demand for money and how does demand of money get impacted. Then we studied the two approaches. We started off with the classical approach and we wrote down the formula MV equal to PT, right? And we said that if V and T are constant, M is directly proportional to P. P badega, money requirement badega. Then we understood what are the flaws of classical approach and we went on to understand the
Keynesian approach, also called as the preference for liquidity approach. We studied that Keynes said money ki do features hoti hai, exchange and store of value. Theek hai? Based on this, he said that money requirement or money demand can come in three forms. Transactions motive ho sakta hai logo ka, precautionary motives ho sakta hai and speculative motive ho sakta hai. Humne transactions or precautionary motive already padh liya hai. So go through this entire video and when we meet you next, we will understand the last motive, that is the speculative motive, right?